Welcome back, dear students. Students, today we will do chapter number 10 of English Reader. Let's start with the section 1. Before we start section 1, I would like to introduce you what we are going to read in this chapter. See, some pictures are given of few words, birds. So that means we are going to read about different birds in this chapter. Here in the introductory part, they are saying, a bunch of bird friends spot an English-speaking parakeet in their feeding place. So, there were some bird friends. Here, spot means found. They found one parakeet. Parakeet is just a bird like a parrot itself, but it is a little bit different in his appearance. So, where they used to feed themselves, जहाँ पर वो खाना खाते थे, जहाँ पर वो खाना खाने जाते थे, वहाँ पर उन्हें एक bird मिलता है, एक और parakeet bird मिलता है, who was speaking English. Who is he? वो कौन था? Do they accept him as a friend? क्या उन सभी birds ने उसको अपना friend बनाया? What does he teach them? उसने उनको क्या सिखाया? So, all this we are going to read in this section. And in this chapter also. Hey, look, there's a newcomer at the feeding place, remarked Frozel as she hopped out from under her bush. The rest of her gang, known as Screechers and Shriekers, behind her. So, one bird was there and her name was Frozel. Frozel ne apni jagah se jab wo bahar nikli, apne रेस्ट करके अपनी एक झाड़ी में से बाहर निकली और कूदती हुई बाहर आने पर उसने बोला, देखो एक नया बर्ड आया है और उसकी जो गैंग है, गैंग मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो सभी जिनको कि वो स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स बोला जाता था, जो काफ़ी चीखने चिल्लाने वाले माने जाते थे, तो वो सब भी बाहर निकल कर आए, उसके पीछे आए. The others hopped out after her and muttered harshly amongst themselves as they glanced suspiciously at the stranger. So, जो बाकी की आए उसके पीछे पीछे hop करते हुए फुदकते हुए, जिसको हिंदी में हम लोग फुदकना बोलते हैं, birds का फुदकना, फुदकते हुए उसके पीछे आए और गुस्से में बोलने लगे. जैसे ही उन्होंने उनके उस नए पैराकीट को देखा तो वो आपस में गुस्से में बोलने लगे. वो स्टैंडिंग रेदर स्टिफली वेयर द ब्रेड क्रम्स बर्ड सीड एंड ओवर राइप पापाया एंड बनाना हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, जहाँ पर खाने के लिए पहले सी चीज़ें रख दी हुई थी. ब्रेड क्रम्स मीन्स ब्रेड के टुकड़े थे और सीड्स थे जो कि बर्ड्स को डाले जाते हैं, पके हुए पपाया बनाना, वो सारी चीज़ें पहले से रखी हुई थी. और वहाँ पर वो जो पैराकीट था वो स्टिफली यानी कि स्ट्रिक्ट सीधा खड़ा था. ही वॉज अ टॉल रेदर हैंडसम पैराकीट. वो एक लंबा हैंडसम पैराकीट था. ग्रास ग्रीन ऑल ओवर, यानी कि जो उसकी अपेयरेंस थी वो पूरी तरह से ग्रीन था. विथ स्मार्ट मैरून शोल्डर पैचेस, उसके जो शोल्डर थे वो मैरून कलर के उसमें पैचेस थे. स्लाइटली बल्जिंग ऑरेंज रिम्ड आइज, उसकी आँखें बड़ी बड़ी बाहर को निकली हुई थी. एंड अ मैसिव रेड बिल दैट लुक्ड लाइक नट क्रैकर, और उसकी जो बड़ी सी रेड बिल थी, बिल मतलब चोंच उसकी, जो एक नट क्रैकर की तरह लग रही थी. नट क्रैकर होता है जो बादाम काटने वाला एक हथियार होता है. सो द क्रीचर्स एंड द श्रीकर्स लुकड अ लिटिल अनकम्फर्टेबल इन हिज प्रेजेंस, जो चीखने चिल्लाने वाला ग्रुप था, जो गैंग थी, उसकी प्रेजेंस में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. दे वर अ रेदर अनटाइडी लुकिंग बंच एज जंगल बैबलर्स टेंड टू बी. वो थोड़े से अनटाइडी से लग रहे थे उसके सामने, क्योंकि वो बर्ड बहुत सुंदर सा लग रहा था और बाकी के जो बर्ड्स थे जिनकी गैंग थी वो बहुत ही अजीब से लग रहे थे. सो ड्रेस्ड इन इल फिटिंग खाकी ब्राउन फेदर्स, क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस थी वो ब्राउन कलर के थे. टैंगिंग टेल्स, उनकी गंदी सी टांग टेल्स थी, पूंछ थी. दे लुक्ड एज इफ दे हैड जस्ट वोकन अप एंड गॉट आउट ऑफ बेड, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सो के बाहर निकले हुए हैं और बाहर आ गए हैं, अभी सोए हुए उठे हैं.
हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ शेक्सपियर। डू एनी ऑफ यू स्पीक इंग्लिश? अब जो ये न्यू पैराकीट था उसने बोलना शुरू किया कि हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शेक्सपियर है, क्या आप में से कोई इंग्लिश जानता है? हिज वॉइस वॉज हॉर्स एंड डीप। उसकी जो आवाज़ थी, वॉइस जो थी वो थोड़ी हार्श थी, डीप गहरी थी। ही वॉज ऑफ कोर्स स्पीकिंग इन यूनिवर्सल एवियन लैंग्वेज। वो बर्ड्स के लिए ऐसा बोला जाता है, डिफरेंट लैंग्वेज को वो बोल रहा था, विच ऑल बर्ड्स अंडरस्टैंड, जो कि बाकी के सारे बर्ड्स समझते थे। शेक्सपियर, आई लाइक दैट, रिमार्क फ्रोजली स्कार्स्टिकली। शेक्सपियर, आई लाइक दैट। अब फ्रोजल ने, उस बर्ड चिड़िया ने, उसका मजाक बनाते हुए, स्कार्स्टिकली मीन्स मजाक बनाते हुए बोला, अच्छा शेक्सपियर मुझे पसंद आया। मतलब वो एक्चुअल में उसको पसंद नहीं कर रही थी। वॉट एवर नेक्स्ट, डिकन्स एंड अर्थर कॉनन डोयल एडेड स्नीर फ्लिकिंग अ कपल ऑफ डेड लीव्स टू चेक वॉट ले बेनेथ। अब वॉट एवर नेक्स्ट, डिकन्स और अर्थर जो थे, दो और बर्ड्स हैं, उन्होंने भी स्नीर फ्लिकिंग कपल ऑफ डेड लीव्स, उसके सामने में सूखे पत्ते जो थे वो डाले, जो भी उसके सामने पड़ा हुआ था। सो शेक्सपियर वैडल्ड अप टू द पपाया। शेक्सपियर जो था वो पापाया तक पहुंचा और पापाया को खाने लगा। डू एनी ऑफ यू स्पीक इंग्लिश? ही आस्क्ड अगेन स्लोली एंड क्लियरली। क्या तुम में से किसी को इंग्लिश आती है? उसने बिल्कुल धीरे से और साफ पूछा। नो, सैड फ्रोजल हार्शली। हार्श होते हुए कठोरता से फ्रोजल ने बोला, नहीं। व्हाट ऑफ इट, इसका क्या करना है हमने? एडेड ग्लोअर, ग्लोअर ने बोला। द पैराकीट रोल्ड हिज आइज। पैराकीट ने अपनी आँखों को रोल किया, घुमाया। इट्स सच अ वंडरफुल लैंग्वेज, ही सेड। कहता, इतनी अच्छी लैंग्वेज है ये। प्रीटी पॉली, मिट्टू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हाट्स योर नेम डेयरी। अब उसने फिर से ये बोल के बताया इंग्लिश में सारी चीज़ें, मतलब उनको अट्रैक्ट करने की अदर बर्ड्स को वो कोशिश कर रहा है, ये जो न्यू पैराकीट था। प्रीटी पॉली, मिट्टू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सो ऑल दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय हिम। द स्क्रीचर्स एंड शीकर्स हॉप्ड अ कपल ऑफ स्टेप्स बैकवर्ड इन सरप्राइज। जो बाकी के ये जो बर्ड्स थे ये सारे कुछ स्टेप्स पीछे हो गए, डर गए। दिस प्रीटी पॉली, प्रीटी पॉली, व्हाट डज इट मीन, आस्क्ड कैटकल। अब कैटकल एक बर्ड है, उसने उन पूछा, ये क्या बोल रहे हो तुम प्रीटी पॉली, प्रीटी पॉली, इसका क्या मतलब होता है? द पैराकीट रोल्ड हिज आइज अगेन एंड वैडल्ड अप टू द पपाया। इट डजेंट मैटर व्हाट इट मीन्स, ही सैड, प्रोवाइडेड यू से इट राइट। पैराकीट ने अपनी आंखें घुमाते हुए फिर से बोला, अपने पपाया को खाते हुए बोला, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई फ़ायदा नहीं, या कोई कोई मतलब नहीं बनता कि इसका मतलब क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड यू से इट राइट, कि बस तुम्हें इसको सही तरीके से कहना है। नाउ इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी आई विल डिग इन। कहते, अब मुझे अगर आप माफ़ करें तो मैं कुछ खाना चाहूँगा। डिग इन हेयर मीन्स खाना चाहूँगा। आई एम फैमिश्ड, मैं भूखा हूँ। आई हैवन्ट ईटन एनीथिंग सिंस माई रिलीज एंड दिस रोजी रूहड पपाया लुक स्वीट। कहते, मैंने जब से मैं फ्री हुआ हूँ, जब से मैं छूटा हूँ, कहता, मैं तब से मैंने कुछ नहीं खाया, और ये जो पपाया है, लाल लाल जो पपाया है, बहुत मीठे लग रहे हैं। ही इज़ नट्स, सेड जियर विद कन्विक्शन। अपनी बात को मनवाते हुए जियर ने बोला, ये क्रेजी है, पागल है। ही इज़ बनानास, एग्रीड स्नीर। स्नीर ने भी बोला, हाँ वो पागल है। टर्निंग अ डीप लेफ, सॉरी डेड लीफ एंड रिगार्डिंग द बीटल लाइंग बेनेथ इट विद रेलिश। उन्होंने एक डेड सूखे हुए पत्ते को, और रिगार्डिंग द बीटल लाइंग बेनेथ, और उसके नीचे जो एक बीटल मरी हुई थी, चींटी रखी हुई मरी हुई थी, इट विद रेलिश, उसको अजीब से देखते हुए बोला, ये तो मरा हुआ, सॉरी ये तो एक, रिगार्डिंग द एग, माँ कि ये सच में एक पागल है। रिलीज, रिलीज फ्रॉम वेयर, आस्क्ड फ्रोजल। फ्रोजल ने बोला, छूटे छूटे कहाँ से हो तुम? ऑलवेज क्विक टू गेट टू द पॉइंट, आर यू अ जेल बर्ड। कहते, वो फ्रोजल को थोड़ी जल्दी होती थी पूछने की, तो उसने सीधा से बोला कि क्या तुम एक जेल बर्ड हो, क्या तुम जेल में बंद थे?
शेक्सपियर सिंपली शुक हिज हेड एंड वेंट ऑन स्टफिंग हिज माउथ विद पपाया। शेक्सपियर ने सिंपली अपना मुंह हिलाया क्योंकि वो खाने में व्यस्त था। अपना मुंह में उसने खूब सारा पपाया का भर लिया। बाय नाउ सम ऑफ अदर रेगुलर्स एट द फीडिंग प्लिंथ हैड अराइव्ड एंड वर लुकिंग एट द स्ट्रेंजर क्यूरियसली। कहते इस समय तक और भी जो बर्ड्स वहाँ पर खाना खाते थे आकर, वो सब भी इकट्ठा हो गए हुए थे। सो देयर वॉज पिस्ता एंड कुला। वो जो बर्ड्स आए न्यू, उनमें पिस्ता और कुला थे। द रोज रिंग्ड पैराकीट्स, रोज कलर के रोज़ रिंग में पैराकीट्स थे, वो आए थे। प्लम एंड प्रून, उनके नाम थे प्लम एंड प्रून। द प्लम हेडेड पैराकीट्स, शेक्सपियर वॉज एन अलेक्जेंडर पैराकीट। प्लम और जो प्रून थे ये भी पैराकीट्स ही थे, लेकिन ये सारे जो थे प्लम हेडेड पैराकीट्स थे, और जबकि शेक्सपियर जो था वो अलेक्जेंड्रन पैराकीट था। अदरक एंड काली मिर्च, द टू इंडियन मैना, द शार्पेस्ट ऑफ द लॉट। अब दो मैना थी जिनके नाम रखे थे अदरक एंड काली मिर्च। वो एंड लिलीस एंड सैंडस्टोन, द टू डोलेफुल लाफिंग डव्स डोव्स। अब ये दो और थे जो सैंडस्टोन एंड लाइलेस थी, तो ये दो जो थे ये भी वहाँ पर बहुत उदास जो थे डोव्स थे, वो भी आगे हुए थे। सो हु इज़ द गेस्ट, आस अदरक। अदरक ने पूछा ये कौन मेहमान है, इंट्रोड्यूस अस, हमारा इसके साथ इंट्रोडक्शन करवाओ, हमें मिलवाओ। शेक्सपियर रिप्लाइड फ्रोजल रोलिंग हर आइज। फ्रोजल ने अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, शेक्सपियर ही नोज इंग्लिश, सैड कैटकल। कैटकल ने और ऐड किया कि इसको इंग्लिश आती है। स्क्रंचेज अप द बीटल, अपने बीटल को वो जो उसके सामने रखा हुआ था खाने के लिए उसको क्रश करते हुए बोला, ही नोज इंग्लिश, वाओ इसको इंग्लिश आती है। पिस्ता एंड कुलका चोरेस्ट, जो पिस्ता और कुला ने एक गाना गाते हुए बोला, उसको इंग्लिश आती है। एंड प्लम एंड प्रून इमिटेड देयर श्रिलिंग क्वेश्चनिंग ट्यू ट्यू। अब जो प्लम और प्रून थे उन्होंने एमिट की, एमिट होता है नकल करना, उसकी नकल उतारते हुए सीटी बजाते हुए अपनी आवाज़ में उन्होंने उसका उनका साथ दिया। विसल्स इन अप्रिसिएशन, उसको अप्रिसिएशन करते हुए। सो दे क्राउडेड अराउंड शेक्सपियर इन एडमायरेशन। अब वो सारे के सारे पैराकीट के आसपास, शेक्सपियर के आसपास में इकट्ठा हो गए उसको एडमायर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस वाज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू।